अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घुइयां की सब्जी सालन दाल नए तरीके से। तो देखिए, फिर घुइयां हमने छील करके और खूब साफ हमने धुल लिया है और उसके बाद पानी में रख दिया, इसलिए काली ना पड़े। घुइयां भी काली पड़ जाती हैं आलू की तरह। ये हमने एक पाव घुइयां ले लिया है, अच्छे से छील करके हमने धुल लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, इसमें मसाला डालने के लिए हमने ले लिया है एक अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा बड़ा साइज का है, क्योंकि घुइयां में अदरक ज़्यादा डालिएगा आप लोग भी बादी होती है घुइयां, इसमें अदरक बहुत पड़ती है, तो हमने बड़ा टुकड़ा ले लिया है। और लहसुन 6-7 कलियां हमने ले लिया है और इनको छोटे टुकड़े में काट लिया है। और ये हरी मिर्च है, 10-12 हरी मिर्च हमने ले लिया है। और ये देखिए, एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको अभी हमने काट लिया है। तो ये हम इसको मिक्सर जार में हम अब डाल करके मसाले को हम सारे पीस लेंगे। ये देखिए, प्याज भी हमने डाल दिया इसमें, और ये जो हमने दिखाया है अदरक लहसुन हरी मिर्च, ये भी इसमें हम डाल करके पीस लेंगे। देखिए, तो इस तरीके से आप लोग घुइयां की सब्जी सालन दाल बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। तो देखिए, फिर अब इसको हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हम पीस करके लेके आते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा छोटे साइज़ का हमने टमाटर ले लिया है। अब इस एक टमाटर के लिए इसको अलग हम क्या पेस्ट बनाएं, हम इसी में इसको भी साथ ही में पीस लेंगे टमाटर को भी, क्योंकि टमाटर भी साथ ही में पीस जाएगा। और ये ज़्यादा ये प्याज व्याज हमने ले लिया है, मसाला हमारा ये गाढ़ा हो जाएगा इससे। तो अब इसमें हम पानी डाल लेंगे थोड़ा सा, फिर हम पीस के लाते हैं। तो देखिए, मसाला हमारा पीस चुका है, ये देखिए कितना बारीक मसाला पीस करके तैयार हुआ है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले, इसी में हम मिक्स कर देंगे। तो ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर हो गया और ये एक चम्मच धनिया पाउडर हो गया, बस इससे ज़्यादा अब नहीं डालेंगे। और ये एक चौथाई चम्मच हो गया काली मिर्च का पाउडर, और ये हो गया भुने जीरे का पाउडर आधा चम्मच। तो देखिए, हमने इतने ही मसाले डाला इसमें, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाला है, लाल मिर्च इसमें नहीं डालेंगे। लाल सालन हमें नहीं बनाना है, ग्रीन सालन इसका बनाना है। तो देखिए, तड़का देने के लिए हमने आधा प्याज काट करके रख लिया है। और ये जो घुइयां में पानी है इसको हम फेंक देंगे। मसाले हमने घोल लिया है आपस में, सब घुल गए हैं मसाले। ये हमने कुकर में सरसों का तेल चढ़ा दिया है, आप लोग भी सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और अगर नए आए हमारे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तेल हो चुका है हमारा, हम डाल देंगे इसमें प्याज। सरसों के तेल में आप बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। और जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। घुइयां की सब्जी हम इसी तरीके से बनाते हैं, तो आप लोग भी बनाएंगे। जो घुइयां नहीं खाता है आपके घर में, सभी लोग खाएंगे खूब शौक से। तो फिर देखिए, प्याज हमारा हो चुका है, अब हम मसाले डाल देंगे। अभी जो इसमें लगा हुआ है जार में, इसको भी हम पानी डाल करके उसमें डाल देंगे। अब हम मसाला भून लेंगे और इसमें हम डाल देंगे नमक, अभी हमने नमक नहीं डाला इसमें। तो देखिए, हम आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, हमने आधा चम्मच डाला है। अब हम मसाले को भून लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है। जब मसाला भून जाएगा तो तेल अलग और मसाला अलग हो जाएगा, मसाला तेल छोड़ देगा। जब मसाला हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा मसाला हो गया है। तो देखिए, फिर मसाला हमारा भूज रहा है, बस थोड़ा और भून लेंगे, 2-3 मिनट और हम भून लेंगे। तो फिर हम इसमें डाल देंगे घुइयां। तो देखिए, मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। ये देखिए, मसाला और तेल अलग अलग हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे घुइयां। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए, इसमें हमने लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डाला है, हरी मिर्ची हम बना रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से भून देंगे मसाले में, घुइयां मिक्स हो जाए अच्छे से। और इसमें हम लगा देंगे सालन, सालन वाले घुइयां बनाएंगे। हमें इस तरीके से घुइयां बहुत टेस्टी लगती है, और हमारे घर में सभी लोग घुइयां इस तरीके से खाते हैं। और घुइयां ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इस तरीके से बनाते हैं तो थोड़ा बहुत सब लोग खा लेते हैं।
बहुत अच्छी बनती है। तो बस अभी इसमें पानी डाल देंगे, पानी अपने हिसाब से आप लोग डालिएगा। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो कम डालिएगा, अगर पतली पसंद है तो ज़्यादा डालिएगा। तो बस हम इतना ही पानी डालेंगे, नमक चख लेंगे, कम होगा तो हम डाल देंगे, नहीं तो फिर ढक्कन लगा देंगे। तो बस अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी आने तक हम इसको तेज आंच में सीटी आने देंगे, उसके बाद गैस धीम कर देंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फिर घुइयां का सालन बन करके तैयार है। ये देखिए एक सीटी आई थी, फिर हमने गैस को धीमी कर दिया था 3 मिनट के लिए, फिर धीमी आंच में पकी है, फिर उसके बाद जब गैस निकल गई फिर हमने खोला। ये देखिए घुइयां हमारी इतने अच्छे से पकी हैं। अब हम इसको आपको कैसे तोड़ के दिखाएं, गर्म बहुत है, अभी हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। एक बर्तन में निकाल के कलर देखिए कितना प्यारा आया है सालन का। ये देखिए घुइयां कितनी गल चुकी हैं, ये देखिए घुइयां कितनी गल गई है। इस तरीके से घुइयां बहुत टेस्टी लगती हैं। तो अब इसको हम एक प्याले में निकालेंगे, मान रही हूँ। तो देखिए फिर घुइयां का सालन बन करके तैयार है। तो ऐसे आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कमेंट में। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोगों को, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।